नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चक्रवाती तूफान यास के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में पानी भरा। नारियल के पेड़ों के शिखरों को छूती समुद्र की लहरें और बाढ़ के पानी में बहती कारें दिखाई दी। कोरोना वायरस का कहर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी। IIT में प्रवेश के लिए होने वाली GE एडवांस परीक्षा स्थगित, अगली तारीख की घोषणा आने वाले समय में। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप। भारत ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने में 6 महीने की देरी की। कहां लोगों का टीकाकरण करने के बजाय टीके विदेश भेजे गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्पुतनिक वी के निर्माता दिल्ली को कोविड निरोधी टीके की आपूर्ति करने के लिए राजी। मिलने वाली खुराकों की संख्या को लेकर संशय। गंगा तट पर रेत के नीचे दबे शवों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार का स्पष्टीकरण। CM ऑफिस ने ट्वीट कर कहा, 2018 में कोरोना नहीं था, उस समय भी ऐसी ही थी गंगा तट की तस्वीर। आयुष मंत्रालय ने दी होम्योपैथिक डॉक्टरों को कोरोना के इलाज की अनुमति। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर लक्षण विहीन और शुरुआती लक्षण वाले मरीजों को देख सकते हैं। गंभीर लक्षण वाले मरीजों को करना होगा उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर। एलोपैथी डॉक्टरों के खिलाफ बयान देकर मुसीबत में फंसे योग गुरु रामदेव। IIM उत्तराखंड ने दिया रामदेव को 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस। लिखित रूप से माफी मांगने की कही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी दशकों में मानवता के सामने आया सबसे बुरा संकट। इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। भारत कर रहा है इस चुनौती का मजबूती से मुकाबला। एक दिन में COVID-19 के 2,08,921 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,71,57,795 हुई। 24 घंटे में संक्रमण से 4,157 लोगों की मौत। छत्रसाल स्टेडियम विवाद में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के 4 साथी भी गिरफ्तार। इस विवाद में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हो गई थी मौत। गिरफ्तार सभी लोग सुशील कुमार के साथी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले कुछ समय से सुस्त पड़े किसान आंदोलन में 26 मई को दिखी गर्मी। आंदोलन के 6 माह होने पर किसानों ने मनाया ब्लैक डे। UP गेट पर प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए किसान। कोरोना के कहर के बीच शिवसेना का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, कोरोना से निपटने की बजाय यूपी चुनाव पर ध्यान दे रही है भाजपा। भगवा दल ने कहा, पंचायत चुनाव में नहीं किया खास प्रदर्शन। गुजरात के 36 शहरों में रात्रकालीन कर्फ्यू का टाइम बदला। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पहले रात 8 बजे से शुरू होता था कर्फ्यू। भारत चीन सीमा पर तैनात होंगे इजरायली ड्रोन हेरोन। लद्दाख में LEC पर होगी ड्रोन की तैनाती। रामदेव मामले में IIMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, वैक्सीन पर रामदेव के अभियान पर लगनी चाहिए रोक। रामदेव ने कहा था, टीके की दोनों खुराकों के बाद 10,000 डॉक्टर और लाखों लोगों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,491 नए मामले। 3,952 लोग इस अवधि में ठीक भी हुए। अभी सिर्फ 19,148 एक्टिव केस। कर्नाटक में 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी HS दोरेस्वामी का निधन। कुछ समय पहले ही कोरोना से रिकवर हुए थे। स्वामी का हार्ट अटैक से हुआ निधन। सपा सांसद आजम खान की स्थिति चिंताजनक। खान को कोरोना के बाद फेफड़ों और छाती के संक्रमण पाए जाने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बेटे आजम की स्थिति स्थिर। जल्दी शुरू होने वाला है कपिल शर्मा शो। शुरू हो गई है शो की शूटिंग। द कपिल शर्मा शो का नया सीजन 21 जुलाई से होगा ऑन एयर। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अब TV पर भी आएंगे नजर। कलर्स चैनल के क्विज शो को होस्ट करते नजर आएंगे रणवीर। इस शो में होंगे कुल 12 राउंड। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।